गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सुमनियस ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अपने घर अपनी अम्मा को देखने, उनसे मिलने। 6 महीने से नहीं जा पाई हूँ, तो आज सुबह सुबह जा रही हूँ। अभी 6 बजा है तो जल्दी से निकलती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। बाय बाय। चलो छोड़ दो। तो मैं आ गई हूँ अपने घर, और पहुँच के सबसे पहले मैंने हाथ मुँह धुला क्योंकि बहुत थकान लग रही थी। और सामान अंदर रख के आए हैं, हाथ मुँह धुल के भी आए हैं। अम्मा भी बाहर ही बैठी थी लेकिन अब अंदर गई, मैं नहीं बना। और अभी यहाँ पूजा पाठ ही चल रहा है, फूल तोड़े जा रहे हैं। मैं गई थी हाथ धुलने, अम्मा सोची अंदर ही बैठने गई हैं, तो अम्मा दूसरे दरवाजे से अंदर चली गई हैं। दो तरफ को इधर दरवाज़ा है, दो तरफ को मेरा घर का द्वारा है, तो मैं भी आ गई। मैं उस वाले दरवाजे से अंदर आई थी, अम्मा इधर से आ गई हैं। हाँ नहीं, क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सोए दो आयुष, सोए दो। अच्छा कब तक पड़े रहते हैं? कब तक पड़े रहते हैं? पता नहीं, अभी तो पहली बार आ गए। अच्छा कल ही आए? कल शाम को रात में आ गए। कैसे आए? बस से? बस। खाना बन रहा है, शिवाली दाल में तड़का डालने जा रही हैं। और चाय तो हम लोग पीते नहीं हैं, तो हम लोग पेठा खा चुके हैं। मुझे कितनी ध्यान से देख रही, पहचानती नहीं है ना, जैसे मैं इधर आई हूँ तुरंत ध्यान से देखने लगी हैं। और इनके लिए ये पूरा बनाया गया है क्योंकि ये लोग बाहर निकल के पेड़ पौधा सारे खा लेती हैं, ये बनाया गया है ताकि ये लोग अंदर से निकल ना पाएँ। और वो पीछे वाली हमारी गौरी गाय है, और ये भैंस है। ये अनार लगे हैं, ये सारी चीज़ें ये लोग खाने लगते हैं झपड़ झपड़ के। देखो कितना बढ़िया अनार लगे हैं, अभी कच्चे ही हैं। और आम तो इसमें बहुत सारे लगे हैं। ये नींबू का पेड़ है, इसमें लगे हैं नींबू। ये देखो नींबू। राजे की लहरे बोले सुराधी राधी, सुराधी राधी। ये देखो नींबू में, नींबू छोटे छोटे लगे हैं। अभी आम में आम लगे हैं लेकिन बहुत कम आए हैं, इस बार आए थे गिर गए हैं। तो खाना शुरू हो गया है, रामदेव जी खाना खा रहे हैं, वो भी नीचे बैठ के। बाकी तो सब खा लेते ऊपर बैठ के, लेकिन ये खा रहे हैं, तो बाकी तो बाकी भी नीचे ही खा रहे हैं। विनय आए हैं शाम को, तो विनय ऊपर बैठे हैं। वो कहीं रहा है? अरे अरे कोई नहीं खा है। चल
बाकी खाली टमाटर लाना है बस और प्याज और मसाला है सौ रुपए के सौ ये की सब्जी कितने टाइम बने पानी में और ये शाम को हो रहे हैं हमारे पानी के बतासे तो पानी हमारा घर पे बना है जो अंबिया का पेड़ लगा है उसमें से अंबिया तोड़ के पानी बना है और बतासे आए हैं रेडीमेड मटर और आलू बॉयल किया गया है घर पे बहुत ही बढ़िया पानी बना है बतासे बहुत अच्छे लग रहे हैं तो बच्चे पार्टी खा चुके हैं अब हम लोगों का नंबर है हम लोग खा रहे हैं हम जा रहे हैं मंदिर वो भी रात में बहुत देर हो गई है पीछे क्यों ले जा रहे हो गाड़ी तो मंदिर आ गए हम लोग और बहुत सन्नाटा है यहाँ पे क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट में आए हैं यहाँ पे हम लोग माता रानी का ये मंदिर है ये देखिए तो हम लोग शादी करके यहीं इसी मंदिर में आशीर्वाद लेने आए थे उसके बाद विदाई हुई थी ये माँ जगत जननी जगदम्बा माता का मंदिर है दुर्गा मैया का मंदिर है तो ये दुर्गा माता का हवन कुंड है बिल्कुल उनके मंदिर के सामने क्योंकि लेट आए हैं तो सभी मंदिरों में पर्दा पड़ चुका है और गेट बंद हो चुका है तो ये ओदी में साइयस को दे रही हूँ प्रसाद के रूप में और इधर है शीतला माता का मंदिर और बहुत चारों तरफ सन्नाटा है लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा डर भी लग रहा है इसलिए रुकेंगे नहीं तुरंत चले जाएंगे पैर छूके हम लोग शादी के पहले जब वहीं रहते थे तो नवरात्र में कौन से पिंक वाले का मतलब क्या अच्छा लगता था दिन में बहुत अच्छा लगता है यह तालाब है इसमें बहुत सारी मछली पत्ते दिखाई दे रहे हैं पले हुए हैं और कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं पत्तल तो आप लोग देख ही सकते हैं और ये कुत्ता एक पीछे पड़ गया सोच रहा होगा कुछ खाने के लिए लाए हैं लेकिन हम लोग खाने के लिए कुछ नहीं लाए प्रसाद भी नहीं यहाँ पे मिल रहा है ये कमल का फूल देखिए खिला हुआ है हम लोग देर रात में मंदिर आए हैं और ये कुत्ता हम लोगों के पीछे पड़ गया है तो कुछ खाने के लिए लाए होंगे ये लोग इसीलिए और यहाँ पे बहुत अच्छे इसमें कमल खिले हुए हैं दिन में बहुत अच्छा लगा था इन पत्तल में जैसे यही पत्तल होते हैं खाना खाने के लिए ये यही होते हैं इसी को पुरैन के पत्ता कहते हैं हाँ यह तो पुरैन होता है यही होता है वो पत्तल नहीं दूसरा है वो दूसरे आए ये दूसरा वही हूँ ना बाजी आहाँ काफ़ी देर हो गई इसलिए हम लोग यहाँ से जल्दी जा रहे हैं सुबह ये शाम को बहुत अच्छा लगता है ये शनिदेव मंदिर है सब बंद है आ चलो तो हम लोग आ रहे हैं मंदिर से वहाँ बहुत देर हो गई थी और इसलिए रुके नहीं थी कि कल भी बहुत अच्छा लगता सुबह या शाम टाइम होते तो रात हो गई हाँ 20-30 रुपये ले हाँ तो रुके नहीं हम लोग आ गए जल्दी बहुत थोड़ा सा सन्नाटा बहुत ज़्यादा था क्योंकि 9 बज गया रात पालतू का उल्लू कर गया मेरा क्यों वहाँ जाने का जाना देर लगा दी ये बतासों के चक्कर में बहुत ज़्यादा देर लगा हाँ फिर कभी आएंगे तो चलेंगे ठीक है फिर कभी क्या आप तो एक डेढ़ साल बाद लगे एक डेढ़ साल लगेगा चलेंगे तो चलें अब किचन में थोड़ा सा कुछ मुझे करना है इसलिए मैं जा रही हूँ किचन में तालाब बहुत अच्छा लगता है तो आज का खाना रायता पनीर और चावल रोटी तो ये लोग बाद में खा रहे हैं शाम का खाना
अच्छी है पनीर, शिवाली बने ना, आधा शिवाली बने ना आधा बने। हमको स्वाद से मतलब है, जो भी आप जैसे बनाएगा हम खा लेंगे पनीर। तो रात में खाना खाने के बाद, खाना काफी लेट हो गया हम लोगों का, इसलिए खाना खाने के बाद हम लोग टहलने आए छत पे, और ताकि टहल लें और खाना अच्छे से हजम हो जाए। अंधेरा अंधेरा लग रहा है, इधर लाइट है तो थोड़ी सी रोशनी है, और इधर पेड़ लगा है तो काफ़ी अंधेरा है, ये देख सकते हैं। तो हवा बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग खड़े खड़े टहलते टहलते थक गए थे तो बैठ गए हैं ऊपर चेयर वगैरह। और सुबह उठना है तो किसी को उठ के निकलना है, तो आपको बताइए आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।